और अब बात उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। जी हां, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देश उस बार चाहता है कि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बदला ले। ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल का इंतजार अब होगा पूरा, क्योंकि 20 साल बाद आया है बदले का रविवार। हर भारतीय फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है कि रोहित की सेना क्रिकेट का सबसे बड़ा कप जीत कर आए। जैसे कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है, उससे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया अलग ही तेवर में दिखाई दे रही है, जिससे लग भी रहा है कि फाइनल में कंगारू ढेर होने वाले हैं। भारतीय टीम जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल्स में पहुंची है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की कड़ी चुनौती मिली। 213 का टारगेट हासिल करने में उसके खिलाड़ियों को पसीना आ गया, क्योंकि एक एक रन जोड़ना भारी पड़ रहा था। लेकिन फाइनल्स में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई ढील नहीं देने वाली। भारत का प्लस पॉइंट ये भी है कि उसने अपने लीग मैच में सभी 9 मैच शानदार अंदाज में जीते और सेमीफाइनल्स की बड़ी बाधा को भी पार कर लिया। वहीं लीग स्टेज में अपने पहले मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। आज से ठीक 20 साल पहले साउथ अफ्रीका में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। साल 2003 में खेले गए इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बड़ा दर्द दिया था। भारत ने इस फाइनल को 125 रनों से हारा था, जिसे आज तक कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन नहीं भूल पाया है। लेकिन अब वो बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में हर कोई मैच विनर है और यही बात टीम इंडिया को दूसरी टीमों से अलग दिखाती है। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल तय हो चुका है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैं, जहां पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं लखनऊ के, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को वो कैसा पाते हैं, कि आखिरकार फाइनल्स में क्या उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल हरा चुकी है, इंडिया को 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, और इस बार फिर भारत का उसी से सामना पड़ा है। आपको क्या लगता है, इंडियन क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग है और कैसा होगा वर्ल्ड कप फाइनल? ये मुझे लगता है वर्ल्ड कप फाइनल भी वैसा ही हुआ है, फाइनल हुआ था, वन साइडेड डोमिनेशन रहेगा। रोहित शर्मा ने जैसे स्टार्ट दिया था, स्टार्ट देगा, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अच्छा करेंगे, तो वैसे ही रहेगा जैसे जैसे फाइनल खेले, वन साइडेड जीतेंगे। वनडे क्रिकेट के महाकुंभ में जहां भारत 2 बार विजेता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, लेकिन टीम इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम इंडिया इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का 4th फाइनल खेलने जा रही है। साल 1983 और उसके 28 साल बाद साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जिससे इस बार भारत के पास 3री बार वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मौका भी है। इस बार इंडिया फाइनल जीत के आएगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये वाला फाइनल जीतने जा रहे हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा के रहने वाले हैं और इसी जिस ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने किया। इंशाल्लाह मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फाइनल में इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन मोहम्मद शमी करेंगे और टीम इंडिया इंशाल्लाह फाइनल जीत के आएगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्शल को भी न्योता भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने मुंबई में अपने निवास एंटीलिया में इंग्लैंड के फुटबॉल